कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन, बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है एक बाज। बाज अकेला उड़ना पसंद करता है पर कभी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और हमें यहाँ से एक सीख मिलती है, हमेशा छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही समय है जब आप खुद को जान सकते हो। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। एक बार जब उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है, लेकिन उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, वे अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है, कीप योर विजन क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग, अपना देखने का नज़रिया साफ रखो और उसे हासिल करने में चाहे फिर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। पॉइंट नंबर 3, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों का शिकार नहीं करता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और हमें उससे सीख मिलती है, जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, और उन मरे हुए थॉट्स पर कभी ध्यान मत दो जो बीत चुके हैं। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहाँ पर उनकी जगह है। तुम्हारे पास्ट की जगह सिर्फ तुम्हारे पास्ट में है, उसे वहीं रहने दो, उसे अपने प्रेजेंट में मत आने दो। अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो वह कभी तुम्हें प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब थॉट्स, वो सब यादें मर चुकी हैं। पॉइंट नंबर 4, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारी पक्षी छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे बादलों से भी ऊपर उड़ने लगता है। और हमें उससे एक सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन ने एक बार कहा था, एवरी प्रॉब्लम कम विद एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। बाज की तरह तुम भी उस अवसर को पहचानो। अगर तुम भी उस अवसर को पहचान गए तो तुम्हारी सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उनके ऊपर। 5th पॉइंट, बाज हमेशा अपने घोंसले से सॉफ्ट घास निकाल देता है ताकि उसका बच्चा कंफर्टेबल ना रहे। अगर वो एक बार कंफर्टेबल हुआ तो उसको वही जगह पसंद आएगी। और बाज एक पक्षी है, लेकिन उसे भी पता है देर इज़ नो ग्रोथ इन कम्फर्टेबल जोन। पर हम तो इंसान हैं ना, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे तो आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। थैंक यू।